वेलकम बैक है मार्केट हब फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये सेशन क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पिछले सेशन में हम लोग बायो मास पढ़े थे और बायो एनर्जी पढ़े थे। आज के इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं एनर्जी फ्रॉम ओशियंस, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म जो है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ओशियन जो होता है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अब ओशियन से एनर्जी हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। टाइडल एनर्जी आता है, वेव एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है। तो आज हम जिक्र करते हैं टाइडल एनर्जी का। तो सबसे पहले हम टाइड क्या होता है ये समझेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ओशियन होता है, तो ओशियन तो बहुत वास्ट होता है जिसमें पूरा पानी भरा रहता है। तो मून जब अर्थ स्पिन करता रहता है तो अर्थ के चारों तरफ मून भी तो क्या स्पिन कर रहा है, तो उस समय अर्थ पर मून का भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है। और मून का जब ग्रेविटेशनल पुल ओशियन पर पड़ता है तो ओशियन में जो वाटर होता है वो राइज करता है और फिर नीचे गिरता है। अगर काफी हाइट तक उठा और फिर गिरा उसको हम हाई टाइड कहते हैं। और जो फुल मून डे होता है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन पानी का हाइट बहुत ज्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली उसका हाइट फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जब कम हाइट तक पानी उठता और गिरता उसको लो टाइड कहते हैं, लेकिन ये पर डे होता है। तो टाइडल, और वो जो टाइड उठता है तो नीचे में क्या करता है, टर्बाइन्स लगाए रहता है। तो विथ ग्रेट स्पीड से पानी जो है उस टर्बाइन पर क्या गिरता है, उसका ब्लेड रोटेट्स होता है, उसमें जनरेटर अटैच होता है, जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो इसको हम नोट्स भी बनाए हैं, इसको हम देखिए बताते हैं कि टाइडल एनर्जी में हम लिखेंगे सबसे पहले कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइज एंड फॉल्स, दैट इज नोन एज टाइड, उसी को हम टाइड कहते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। टाइड भी एक हाइड्रो पावर का एक फॉर्म होता है जो कन्वर्ट होता है, दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज होता है। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू द यूज ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेटर्स। टाइडल एनर्जी के लिए स्पेशल जनरेटर्स होता है जो छोटा छोटा होता है, जो पानी के अंदर रखा होता है, इसीलिए उसको हम उस स्पेशल जनरेटर को हम टाइडल एनर्जी जनरेटर कहते हैं। एंड दीज लार्ज अंडर वाटर टर्बाइन्स आर प्लेस्ड इन एरियाज विथ हाई टाइडल मूवमेंट। जहां जहां टाइड ज्यादा उठता है वहां पर उस जनरेटर को स्पेशली एस्टेब्लिश किया जाता है, रखा जाता है। एंड आर डिजाइन टू कैप्चर द काइनेटिक मोशन ऑफ इबिंग एंड सर्जिंग। इबिंग एंड सर्जिंग का मतलब हुआ राइजिंग एंड फॉलिंग, इबिंग एंड सर्जिंग ऑफ ओशियन टाइड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना। क्लियर कैसे बनता? अब ये टाइडल एनर्जी है, इसका क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मेरिट्स ऑफ टाइडल एनर्जी में बताएंगे कि यदि रिन्यूएबल है इसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, एंड इको फ्रेंडली है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज हाईली प्रिडिक्टेबल, ये कंफर्म है कि अगर रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, ये मून का ग्रेविटेशनल पुल हमेशा एग्जर्ट करता है और उसका हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इट इज हाईली प्रेडिक्टेबल। इट इज इफेक्टिव एट लो स्पीड, इवन अगर लो टाइड भी रहेगा तब भी ये इफेक्टिव होता है, तब भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ये इसके मेरिट हुए। एंड इट हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन, और ये बहुत दिनों तक, इसको हम एक जनरेटर को एस्टेब्लिश करते हैं उससे हम बहुत दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? बट इसके डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है कि देखिए नाम ही से पता चलता है टाइडल एनर्जी है, मतलब सिर्फ ओशियन से ही मिलेगा, लेकिन जहां पर ओशियन नहीं है वहां हम टाइडल एनर्जी तो नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं।
इट लिव्स, इट हैज लिमिटेड सुटेबल लोकेशन, इसको हम बता सकते हैं कि लिमिट है ये, सब जगह इसका यूज नहीं हो सकता है, मेनली ओशन एरिया में ही हो सकता है। इट लिव्स हाई अपफ्रंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने के लिए जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट बनता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये भी एक इसके डिमेरिट्स बने। इट डिट्रीमेंट्स मैरीन लाइफ, उस ओशन में जो मैरीन लाइफ होता है उसके मूवमेंट को वो हैम्पर करता है, क्योंकि पानी के अंदर में क्या सब रखा रहता है, जनरेटर सब रखा रहता है, तो उसका जो मूवमेंट होगा उसको वो हैम्पर करता है, रोकता है, जब वो ठीक से हैम्पर मूवमेंट नहीं हो पाता उसका, तो बहुत ऐसे मैरीन लाइफ होते हैं जो मर भी जाता है, या वो समझिए कि निष्क्रिय हो जाता है, उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि इट डिट्रीमेंट्स मैरीन लाइफ एंड हैम्पर देयर मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस सेशन में हम देखे कि टाइड भी जो है एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। फिर अगले सेशन में हम वेव एनर्जी बताएंगे। थैंक यू।